जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबका वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वाइल्ड टाइप की बहस चल रही थी। अब आपको वाइल्ड टाइप की सारी डिस्क्रिप्शन याद है ना। अब ये मेरे हाथ में एक ग्रीन बर्ड है, इसकी भी फिशरी मास्किंग सब कुछ पूरा है, लेकिन अगर आप वाज़े फ़र्क देखें तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये एक ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, लेकिन इस ग्रीन में चमक है। ऐसे लगता है जिस तरह हाइलाइटर से कलर किया गया है। ये मेहंदी कलर है, ये फॉरेस्ट ग्रीन है, इसको बोलते हैं मिस्टी। फिर कभी इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं कि बर्ड को अपनी आंखों से देखकर नहीं पहचान होती कि ये स्प्लिट है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आज मेरे पास दो मेहमान आए, मैं कहता हूँ आज वो भी वीडियो में शरीक हैं, आ जाओ। मुझे ये बताओ, ये बर्ड और वाइल्ड टाइप क्या फर्क है? अरे वाइल्ड टाइप जो इधर से ज्यादा यानी कि क्लियर ग्रीन होगा। ये देखें, ये क्लियर ग्रीन नहीं है। नहीं क्लियर नहीं है, ये देखें ना पैचेस आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई फर्क जो आपको नजर आ रहा हो? यहाँ से लेके फोरहेड से लेके और ये चेस्ट तक। चलो ट्रांजिशनल लाइंस में इसके अलावा कोई और चीज जो आप होता है उसके अंदर डाउन वो डार्क ग्रे वो ग्रे। अब मैं बता दूं जवानों, आपको ये येलोनेस नजर आ रहा है? जी, ये देखो ये ऑरेंज है ना, ये येलो नजर आ रहा है। जब आपको किसी ग्रीन बर्ड पे ये येलो निशान नजर आ जाए तो जान लो कि आपका बर्ड स्प्लिट ब्लू है 100%। जिस ग्रीन बर्ड के मास्क के प्लूमेज में ये येलोपन आ जाए, इसका मतलब है आपका बर्ड कन्फर्म स्प्लिट ब्लू है। ठीक है, ये भी पहचान आपने नजर रखनी है। जो वाइल्ड टाइप है वो प्योर यहां से क्या होगा, रेडिश ऑरेंज होगा, उसमें कोई येलोपन नहीं होगा। येलो नजर आ जाए तो आपका बर्ड स्प्लिट ब्लू है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला जो ब्लू पैरट जो दिखाया गया था वो तकरीबन आज से 140 साल पुराना था, और वो लव बर्ड में नहीं बजरीगर्स में नजर आए। लव बर्ड्स में ब्लू कलर कब नजर आया? तकरीबन आज से कोई 50-60 साल पहले। ठीक हो गया, 50-60 साल पहले जब नजर आया तो वो ब्लू फिशरी नहीं था, वो ब्लू एगोपोनिस पर्सनाटा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ब्लू एगोपोनिस फिशरी है ये ट्रांसम्यूटेशन है, कि एक बर्ड को दूसरे बर्ड के साथ ट्रांसफॉर्म करके ये चीज बनाई गई। कुछ लोग कहते हैं ये जंगलात में से पाया गया। जो भी है, आज हम इसके मुतल्लक बात करने लगे हैं। जरा करिए भाई, मैं आपको जरा इसके मुतल्लक बताऊं। जिस तरह आपने वाइल्ड टाइप बर्ड देखा था, इसी तरह इस बर्ड के भी ग्रे फीट होने चाहिए विद डार्क ग्रे नेल्स। इसी तरह इस बर्ड के पीछे वायलेट कलर का रंप होगा, लेकिन जब हम इस बर्ड के टेल बार को देखेंगे तो उसमें कोई रेड या ऑरेंज शेड नहीं होगा या पीलापन नहीं होगा। उसमें सिर्फ तीन कलर के कॉम्बिनेशन होंगे, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। ठीक हो गया। जब हम इसके फ्लाइंग फेदर्स खोलेंगे तो यहां से भी ये देखें, ये ब्लू है, और ये ब्लू डार्क ब्लू है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हम आते हैं इसके क्राउन पे। इसका क्राउन एक शाइनी ग्रे कलर का होगा, ये पीछे तक। इसके आंख के इर्द गिर्द भी एक वाइट सर्कल है। और हम जब इसके फ्रंट की बात करें तो याद रखना ये जो फ्रंट बॉडी कलर होता है ना, ये ब्लू होगा, इसके कलर के एतबार से ये लाइट होगा। यहां पे आप तो ये इसका मास्क नजर आ रहा है। वाइल्ड टाइप में मास्क किस कलर का था? रेडिश ऑरेंज। इसका किस कलर का है? स्नो वाइट। स्नो वाइट मास्क होना चाहिए, एक जर्रा भी नुक्ता इसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। यह एक बेहतरीन ब्लू फिशरी की पहचान है कि उसका मास्क वाइट कलर का हो, और इसकी जो चूंज है ये इस कलर की होनी चाहिए, इसको कहते हैं कलर बीक। ये है एक ब्लू फिशरी की पहचान। पाकिस्तानी सवाल, शेख साहब इस बर्ड की कीमत क्या है? वही कीमत है जो वाइल्ड टाइप की है, लेकिन ब्लू सीरीज का बर्ड इन कंपैरिजन टू ग्रीन बनिस्बत महंगा होता है। अब ये बर्ड पाकिस्तान में 1000, 2000, 3000 का इस वक्त बिक रहा है, लेकिन जो बर्ड स्टैंडर्ड के करीब हो, वो ब्रीडर उस वैल्यू को जानता है, तो वो इसको गिरा कर नहीं बेचेगा। तो ये है एक स्टैंडर्ड ब्लू फिशरी। इसके मुताबिक यहां पे चार ग्रीन फिशर्स हैं और चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उन चारों के दरमियान एक ब्लू बर्ड है। तो आपको
अब ये बर्ड आपने व्यूअर्स ने मुझे बताना है, ये वाइल्ड टाइप है या इस पर ब्लू है? गौर से देखें, ये आपका टेस्ट है आज। हाँ जी, ये बर्ड स्प्लिट ब्लू है। कैसे? वो नीचे चेक करें, आपको इस बिकी बली के ऊपर एक बारीक येलो सी लाइन नज़र आ रही है, ये बर्ड कॉन्फर्म स्प्लिट ब्लू है। अब इस बर्ड को मैंने किसके साथ लगाया, जिसके साथ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्रिमिनो के साथ। मैंने अब आपको, शेख साहब ना करो यार, आपने नहीं किया। इसके चार बच्चे निकले हैं और चारों बच्चे मेरे पास हैं, और चारे बच्चे इंशाल्लाह मैं इस साल ब्रीड करवाने लगा हूं। इनको आपस में लगाने से क्या होता है, गौर से देखना। ये दोनों बर्ड्स मेरे हाथ में क्रिमिनो है, ये जो दाएं तरफ है ये बच्चा है, और ये जो बाएं तरफ है ये ब्रीडर है। तो ब्रीडर और पट्टे का फर्क तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको सिर्फ समझाने के लिए साइज का फर्क देखें, और लिटरली इतना ही साइज का फर्क पड़ता है जब आप ग्रीन बर्ड के साथ बर्ड को ब्रीड करवाएं। शौक के एलिमेंट डेवलप करें, एक साल इंतजार करें, अपने विजन पे काम करें, जल्दबाजी भेड़ चाल पे नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अभी देखो ये रातों रातों नहीं लिखी हुई, ये हमारी रिकॉर्ड कीपिंग है। अब इसको जरा नंबर पढ़ें, 1158 ब्लू सीरीज, माँ बाप के हैं, क्रिमिनो फिशरी मिस्टी ग्रीन स्प्लिट ब्लू, ताकि किसी को शक ना हो कि ये वीडियो के लिए बना रहा है। 1159 ग्रीन सीरीज क्रिमिनो फिशरी, मैंने आपको क्या कहा था, इस जोड़े ने चार बच्चे दिए, 1 2 3 4। 1158 1159 1160 1161 केज नंबर 28। तो अल्लाह के शुक्र है एक साल हो गया, बच्चे रोक लिए, ठीक है। तीन बच्चे हैं, एक शायद मर गया या एक शायद बेच दिया है। तो ये तीन बर्ड्स क्या करेंगे, जंबो साइज क्रिमिनो प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा क्रिमिनो जिसका साइज बड़ा होगा, जो कंफर्म फिशरी होगी। इस क्रिमिनो और एक नॉर्मल साइज क्रिमिनो के रेट में फर्क कैसे आ सकता है? रिंग नंबर 1159 एनएस रिंग बर्ड, वही बर्ड 1158 ब्लू सीरीज लिखा हुआ था। ये दोनों बर्ड्स स्प्लिट इनो है, स्प्लिट ब्लू की एक निशानी बताई थी, नजर आ रहा है येलो शेड नजर आ रहा है। अब ये बर्ड ग्रीन स्प्लिट B1 B2 स्प्लिट इनो, ये बर्ड ब्लू स्प्लिट इनो, स्प्लिट क्रिमिनो नहीं, बर्ड स्प्लिट क्रिमिनो नहीं हो सकता। अब इन बर्ड्स के साइज पे चेक करें, इन बर्ड्स की उम्र इस वक्त 7 महीने के करीब है, अब ये ब्रीडर नहीं बना। इनके साइज माशाल्लाह चेक करें, तो जरा सोचें कि ये किस साइज का क्रिमिनो डेवलप करेगा। इसमें से जो क्रिमिनो निकलेगा वो जंबो साइज बर्ड निकलेगा, वो प्योर फिशरी होगी। आम तौर पे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा क्रिमिनो फिशरी है, पर्सन आर्टिस है। इसमें से जो क्रिमिनो निकलेगा कन्फर्म फिशरी होगी। क्या आप जानते हैं कि लवबर्ड में सबसे पहला ब्लू कलर देखा गया था 1928 में? कैसे देखा गया? एक शिपमेंट गई थी टैंजानिया से इंग्लैंड की तरफ, वहां पे एक आदमी था मिस्टर सेथ स्मिथ, उसने ये शिपमेंट खरीदी, वहां से बर्ड्स लिए, और वहां पे एक ब्लू कलर का बर्ड निकला जिसको उसने लगाया था वाइल्ड टाइप के साथ। समझ आई उनको कि ग्रीन डोमिनेंट और ब्लू रिसेसिव है, क्योंकि ग्रीन और ब्लू को पहले लगाने से ब्लू बच्चा तो आया नहीं, क्योंकि वो तो वाइल्ड टाइप है। जब आपस में बच्चे लगाए तो दो ग्रीन्स को आपस में लगाने से ब्लू बच्चा निकल आया, लेकिन जब ग्रीन से ब्लू बर्ड निकलता है उसका साइज भी अच्छा होता है, उसके फीचर्स भी पूरे होते हैं, और वो एक क्वालिटी बर्ड होता है। अब आपका अगला सवाल होगा, शेख साहब इस ब्लू बर्ड का क्या फायदा है? मेरे पास पार ब्लू अपलाइन डन फेलो का मेल है, मेरे पास ब्लू अपलाइन पेल फेलो का मेल है, मैं चाहता हूं कि मैं तगड़ा बर्ड प्रोड्यूस करूं लेकिन मैं ब्लू सीरीज में ही रहूं, मैं ग्रीन में ना जाऊं, तो आप एक तगड़ी ब्लू मादी इस्तेमाल करें, बर्ड का साइज भी अच्छा होगा, स्प्लिट्स भी डेवलप होंगे और आपकी एक लाइन डेवलप हो जाएगी। एगापोनिस फिशरी फैमिली के जितने भी म्यूटेशंस हैं उसकी बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, या वो बर्ड ग्रीन सीरीज का है या वो बर्ड ब्लू सीरीज का है। येलो सीरीज कोई बर्ड नहीं होता, रेड सीरीज कोई बर्ड नहीं होता, व्हाइट सीरीज कोई बर्ड नहीं होता, रेड सीरीज कोई बर्ड नहीं होता, या बर्ड ग्रीन होता है या ब्लू होता है। अब आपको कहोगे नहीं शेख साहब अल्बाइनो, अल्बाइनो तो व्हाइट है, ये व्हाइट कलर, ये जो पिगमेंटेशन उड़ाई गई है ना, ये ब्लू से बना है।
शेख साहब फिर लुटीन हो, वो तो येलो है, वो पहले ग्रीन था, ग्रीन से लुटीनो बना, ब्लू से अल्बिनो बना। इस तरह बाकी जितने भी स्पीसीज हैं, म्यूटेशंस हैं, उन सब पे आहिस्ता आहिस्ता करके बात करता जाऊंगा। आज एक अहम पैगाम देना है, इसको लाजमी सुनना मेरे तमाम भाइयों बहनों, 2009 से लेकर